सीरियल वापनासा में आदित्य की माँ मिलती है अपने परिवार से, लेकिन मेमोरी लॉस ट्विस्ट के साथ और जानवी इस फैमिली को मिलाने की कोशिश में लगी है। सीरियल वापनासा में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जानवी आदित्य की माँ को घर ले आई है और उसे ये मालूम ही नहीं था कि वो आदित्य की माँ है। लेकिन बाबा सा आदित्य की माँ से मिलते हैं और वो अपनी बीवी को वापस देख कर हैरान हो जाते हैं। बाबा सा को यकीन ही नहीं होता कि उनकी बीवी जिंदा है और वो वापस घर आ गई है। उन लोगों ने तो सोचा था कि वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन ये तो जानवी उसको घर ले आई तो वो फिर से अपने परिवार से मिल पाई है। आदित्य घर वापस आता है और वो अपनी माँ को वापस अपने घर देख कर बहुत खुश हो जाता है। उसे तो यही लग रहा था कि उसकी माँ अभी भी निशा के कैद में है, लेकिन अपनी माँ को ऐसे घर में देख कर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो सबको बताता है कि कैसे निशा उसको ब्लैकमेल कर रही थी उसकी माँ को लेकर, और इसीलिए वो उसके बताए हुए काम ही कर रहा था, इसीलिए वो उसका कठपुतली बना हुआ था। अपनी माँ को वापस पाकर आदित्य अब पुलिस को कॉल करता है और वो निशा को अरेस्ट करवा देता है कि उसने उसकी माँ को इतने सालों तक टॉर्चर किया है। साथ ही साथ आदित्य जानवी से माफी मांगता है कि उसने उसके साथ जो भी बुरा किया है। आदित्य जानवी को थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से आज उसका परिवार फिर से मिल गया है, और कहीं न कहीं जानवी का कोई इंटरनल कनेक्शन है जो उसे हर बार उसके परिवार की हेल्प करवाता है। आदित्य की माँ जानवी और आदित्य की लव स्टोरी को एक नई दिशा देंगी और वो अपने बेटे को जानवी के साथ एक कर देंगी। शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल वापनासा में आदित्य की माँ मिलती है अपने परिवार से, लेकिन मेमोरी लॉस ट्विस्ट के साथ और जानवी इस फैमिली को मिलाने की कोशिश में लगी है। सीरियल वापनासा में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जानवी आदित्य की माँ को घर ले आई है और उसे ये मालूम ही नहीं था कि वो आदित्य की माँ है। लेकिन बाबा सा आदित्य की माँ से मिलते हैं और वो अपनी बीवी को वापस देख कर हैरान हो जाते हैं। बाबा सा को यकीन ही नहीं होता कि उनकी बीवी जिंदा है और वो वापस घर आ गई है। उन लोगों ने तो सोचा था कि वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन ये तो जानवी उसको घर ले आई तो वो फिर से अपने परिवार से मिल पाई है। आदित्य घर वापस आता है और वो अपनी माँ को वापस अपने घर देख कर बहुत खुश हो जाता है। उसे तो यही लग रहा था कि उसकी माँ अभी भी निशा के कैद में है, लेकिन अपनी माँ को ऐसे घर में देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो सबको बताता है कि कैसे निशा उसको ब्लैकमेल कर रही थी उसकी माँ को लेकर, और इसीलिए वो उसके बताए हुए काम ही कर रहा था, इसीलिए वो उसका कठपुतली बना हुआ था। अपनी माँ को वापस पाकर आदित्य अब पुलिस को कॉल करता है और वो निशा को अरेस्ट करवा देता है कि उसने उसकी माँ को इतने सालों तक टॉर्चर किया है। साथ ही साथ आदित्य जानवी से माफी मांगता है कि उसने उसके साथ जो भी बुरा किया है। आदित्य जानवी को थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से आज उसका परिवार फिर से मिल गया है, और कहीं न कहीं जानवी का कोई इंटरनल कनेक्शन है जो उसे हर बार उसके परिवार की हेल्प करवाता है। आदित्य की माँ जानवी और आदित्य की लव स्टोरी को एक नई दिशा देंगी और वो अपने बेटे को जानवी के साथ एक कर देंगी। शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।